एनएस की तो हाल बहुत बुरा है भाई। गाड़ी बंद पड़ी है एक हफ्ते से। वो एक हफ्ते से बाइक बंद करने के कारण मुझे मुझे निंजा चलाना पड़ रहा है। रोज़ सोचता सर्विस पे डालूं, और सर्विस पे शायद एक आध दो दिन में मैं एनएस को डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी निंजा से राइड हो जाए। हो सकता है शायद मैं पहले कावासाकी के सर्विस सेंटर पे जाऊं, क्योंकि जो आरपीएम है इसका वो रुक नहीं रहा है। तो कहाँ गया ये रफीक? देखो बस यही, अगर ये ना बार बार जो है इसको बार बार जो है बाइक बंद पड़ी आ रही है, क्योंकि इसका आरपीएम जो है बहुत लो चल रहा है। एक्सेलेटर बार बार देना पड़ता है अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो ये दिखाना है शोरूम में। जाने का रास्ता तो वही है, मतलब काम से मैं जा रहा हूँ मुंबई के लिए, तो रास्ते में पड़ेगा कावासाकी शोरूम, तो वहाँ ये दिखा भी दूंगा। फटाक से काम होगा तो करा लूँगा, नहीं तो फिर कभी। तो राइड स्टार्ट हो गई है, और जैसे इतने दिन से मैं हर बार मतलब मुंबई के लिए जाता था काम से, जब एनएस लेके जाता था, तो फ्रंट ब्रेक नहीं होने की वजह से मेरे को थोड़ा स्लो जाना पड़ता था, क्योंकि बाइक रुकती नहीं थी। रेयर ब्रेक से इतना रुकता नहीं है, तो आज निंजा है। और वो भी एबीएस, तो आज फटाफट काम करेंगे और फटाफट आएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:53, मतलब 12 बजने ही वाला है। ब्रेक रहता तो टेंशन फ्री चलाओ, और खास करके एबीएस हो तो मजा ही कुछ आ रहा है। रफीक संभाल के बैठ, जो काम 2 घंटे में होता है वो अपन एक एक घंटे में करेंगे, ठीक है? पकड़ के बैठ। का सपोर्ट की वजह से जो है 1K क्रॉस हो गया, लेकिन वो जो 1K क्रॉस करने के लिए मेरे को 2.5 साल लग गए हैं। चलो कोई नहीं, लेकिन 2K फटाफट हो जाना चाहिए। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर करते रहना। तो सबसे पहले पेट्रोल भराया जाए। कौन से जी? कौन से? अच्छा हवाई जहाज, प्लेन प्लेन। तो प्लेन बोला मेरे को समझ में नहीं आया। अभी अभी उड़ेगा तू। हाँ तो जैसे कि मैं बोल रहा था, बीचो बीच में रोक दिया भाई गाड़ी।
रफीक तू क्या आगे पीछे हो रहा है? हाँ पकड़ के बैठ बांध लेना अपने आप को पीछे, अपने आप को पीछे बांध दे कैसा हुक वाला? अच्छा पीछे हुक लगा के, हाँ कम से कम आगे तो नहीं आएगा तू। ये कौन सी बाइक है? हेलो, हाँ हाँ ओके ओके, ഞാൻ വിളിക്കട്ടാ പെണ്ണോ, ഞാൻ വിളിക്കാം കുറച്ച്. ആ ശരി. ഓ യേ കൊൺസി ബൈക്ക് ഹേ, ഓ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് കൊൺസി ഭൈ, ബെനെലി ऐसा भांडा पेट्रोल टैंक को भांडा बोल रहे हेलमेट हाथ में सर पे पहनो ना भाई, हाथ को प्रोटेक्शन दे रहे भाई। एक छोटा सा काम है, तो मैं पहुंच गया अभी कावासाकी सर्विस सेंटर। यहाँ पे मेरे को मिलेंगे आज कविश नायर। हाँ आज कविश भाई मिलना चाहिए, देखते हैं अंदर जाके। हाँ थोड़ा सा वो रेस जो है ना वो थोड़ा कम है, सर्विस नहीं एक छोटा सा काम है। इधर मत लगाओ। कहाँ लगाऊँ? किधर? इधर लगाऊँ? खाली वो रेस की सेटिंग करना है, बस दो मिनट लगेगा। दो मिनट लगेगा अगर कोई गाड़ी वाला आया तो। टोचन वाले आते हैं क्या? कहाँ लगाऊँ? अरे पेट्रोल पंप खुल गया यहाँ। सोहेल भाई तो है ही है। हाँ सोहेल भाई, अरे कविश भाई भी है। सलाम अलैकुम, और क्या हाल है? हाँ। और कविश भाई क्या हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े दिनों बाद। हाँ आप दिख रहे हैं, मैं तो आते रहता हूँ। A few moments later. बढ़िया, तो RPM की सेटिंग हो गई है, जो बार बार ट्रैफिक में जो बंद हो जाती थी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो पहला काम जो है वो हो चुका है, अब चलते हैं सीधा मुंबई की तरफ।
हो जी भाई का यार, खतरनाक चला रहा है यार। अब यहाँ से थोड़ा मैं बाइक को जो है थोड़ा फ्लाइट मोड पे डालूंगा। ओहो, देखा जाए तो दूर दूर तक का पाया है, गाड़ियाँ दिख रही है। रोड पे 131। तो अभी फ्लाइट मोड हटा के अब बाइक पे आ जाए, बाइक मोड पे। अरे अरे अरे, क्या हुआ? तो वैसे मैं लगभग पहुंच गया हूँ, तो आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में, मतलब 15 से 20 मिनट बाद मिलता हूँ। A few moments later. हाँ, तो फाइनली जो है ये आज का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, और टाइम हो रहा है 1:55, और हम निकल गए भिवंडी के लिए। ये रोड में जो है पैचेस बहुत है, आते समय जो है वो इतना पैचेस नहीं रहता रोड पे, लेकिन यहाँ पे जो है गाड़ी जो है जंपिंग 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 चपा। ये बिल्डिंग पे आता तो लगता है कि ना कोई रहता है इस बिल्डिंग में, क्योंकि बाहर की तरफ पूरा जो है कपड़े ही कपड़े लटकते रहते हैं। बाकी जितने टावर्स देखते हैं उसमें ऐसा लगता नहीं कि कोई रहते हैं। तो भाई जैसे कि बताया कि आज के वीडियो में बस इतना ही है। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और आगे भी वीडियो आती रहेगी, कोशिश करूँगा हफ्ते में एक वीडियो आए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही है। और जो निंजा की जो RPM सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ये जो देख रहे हो इसको आपको राइट साइड की तरफ ऐसे घुमा देना है। यहाँ से आप अपना निंजा 300 का RPM बढ़ा सकते हो उसको घुमा के।